गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम करेंगे इ की मात्रा लगाएंगे क से लेके थ तक। तो ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, ये है इ की मात्रा। तो क जमा इ की मात्रा तो क्या बनेगा, तो ये देखो आप लिखने क, यहाँ से लगानी है आपको मात्रा। ये मात्रा जो है ये लगेगी, देखो आप ऐसे होंगे क जमा छोटी की मात्रा, है ना, तो क्या बन जाएगा की। तो ये भी मैंने कर दिया क छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा इस साइड पर लगेगी, इस साइड पर लगेगी, है ना। क को छोटी की मात्रा लगेगी, क्या बन गया की। ठीक है, आगे है क जमा छोटी की मात्रा की। तो आप पहले क्या लिखेंगे, ख छोटी की मात्रा हो गया, जो यहाँ से ले रहे हैं ख छोटी की मात्रा क्या बन गया की। आगे है ग छोटी की मात्रा बन गया गी। आगे है घ घड़ी घ छोटी की मात्रा घी। आगे है च छोटी की मात्रा ची। आगे ये देखो ग्राफ के साइन में ची के वो पहले लगा रही हूँ। अब च जमा छोटी, छ जमा छोटी की मात्रा क्या बन जाएगा ची। ठीक है, ये आपको बता रही हूँ कि जोड़ने के लिए जब अच्छी लगता है, बाकी आप ऐसे बोल सकते हैं छ छुपी की मात्रा क्या बन गया छी। आगे है ज छोटी की मात्रा, जब छोटी की मात्रा लगाए तो क्या बन गया जी। आगे है छ छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया छी। ट जब छोटी की मात्रा तो क्या बना, ये देखो ऑटो लिखा, ऑटो के साथ छोटी की मात्रा लगा दी क्या बन गया टी। आगे है ख छोटी की मात्रा क्या बन गया थी। आगे है ड लिखेंगे, आगे है ड ड जमा छोटी की मात्रा तो क्या बन जाएगा दी। ड जमा छोटी की मात्रा दी, ये देखो ड छोटी की मात्रा दी। आगे है ध ध छोटी की मात्रा धी। आगे है ण जमा छोटी की मात्रा, जब आप ण लिखेंगे इसके साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा णी। त जमा छोटी की मात्रा, अब देखेंगे त छोटी की मात्रा तो क्या बन गया ती। थ जमा छोटी की मात्रा तो क्या बना थी, क्या बन गया थी। तो इस तरह से बेटा इसको आपने बोलना है और लिखना है। ठीक है, आपने छोटी ई की आवाज निकालनी आपने इन व्यंजनों के साथ। ओके बाय।